समाचार और मैं हूं आपके साथ ज्योति कनौजिया। ये नजर डालते हैं खबर की ओर। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य के निर्देश पर गांव की समस्या गांव में समाधान के तहत प्रत्येक शुक्रवार को ग्राम चौपाल के माध्यम से भ्रष्टाचार मुक्त ग्राम विकास का अभियान शुरू किया है। इसी क्रम में शुक्रवार को मवई ब्लॉक के मैरा मऊ गांव में ग्राम चौपाल में आकस्मिक डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य के आने की सूचना पर प्रशासनिक अधिकारियों में हलचल मच गई। आनन फानन में ब्लॉक व तहसील के अधिकारी मौके पर पहुंचकर सुरक्षा व्यवस्था सहित हाफ भगत में जुट गए। वहीं विधायक रामचंद्र यादव ने पार्टी के पदाधिकारियों के साथ जनता चौपाल में आए लोगों की समस्याओं को सुना और संबंधित अधिकारियों को निस्तारण हेतु निर्देश दिया। मवई खंड विकास अधिकारी अखिलेश गुप्ता व नायब तहसीलदार रुदौली मौजूद रहे। वहीं विधायक ने ग्राम पंचायत मैरा मऊ में आंगनबाड़ी केंद्र बनने के लिए भूमि चिन्हित कर प्रस्ताव करने को कहा। साथ ही चारगाहा अमृत सरोवर व गौशाला का निर्माण कराने का अधिकारियों को निर्देशित किया है। विधायक ने कर्मवार महिलाओं व पुरुषों से सरकारी योजनाओं के लाभ के बारे में जानकारी ली। वहीं कुछ लोगों ने राशन न मिलने की शिकायत की, जिस पर विधायक ने सभी की समस्याओं को अविलंब निस्तारण के लिए निर्देशित किया है। विधायक ने डिप्टी सीएम केशव प्रसाद के जनता के नाम संदेश पत्र को पढ़कर सुनाया। वहीं विधायक ने भाजपा सरकार की संचालित जन कल्याणकारी योजनाओं के बारे में लोगों को जानकारी दिया। इस मौके पर भाजपा नेता निर्मल शर्मा, तेज तिवारी, संतोष मिश्रा, समाज सेवी जगन्नाथ यादव, प्रवीण चौहान, चंद्रिका चौहान, प्रधान वैद्यनाथ, राजेश शर्मा सहित ब्लॉक व तहसील के कर्मचारी मौजूद रहे। अमरनाथ यादव की रिपोर्ट। इस खबर में बस इतना ही। बने रहे नया भारत दर्पण समाचार के साथ।